हेमंत सोरेन जी की सरकार झारखंड के किसानों के साथ जिस प्रकार से धोखाधड़ी करने का काम कर रही है, अन्याय करने का काम कर रही है, किसानों के द्वारा नवंबर में बेचे हुए धान का मूल्य अभी तक किसानों के हाथ में नहीं पहुंचा, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। इस विषय को लेकर के और किसानों के ऋण माफी हो इस विषय को लेकर के और साथ किसानों के बीज और धान समय पर किसानों को मिले इस विषय को लेकर के हम सब लोग पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरना दे रहा है। आप सबको याद होगा, सरकार किसानों के हितों के बड़े बड़े बात करते हैं। यहाँ के जो कृषि मंत्री है वो तो कृषि कानून के विरोध में जहाँ लोग तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर लोग बैठे वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन झारखंड के किसानों के क्या हालात है उसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। झारखंड के किसानों के जहाँ फसल हुआ, धान की खरीदारी की, तो वो भी ठीक प्रकार से खरीदारी नहीं हुई। पहले तो मंत्री ने कहा कि अभी भिंगा हुआ है, नवंबर में कहा कि इस वक्त हम खरीदेंगे नहीं, बाद में हम खरीदेंगे। और बाद में जब किसानों के धान सूख गया तो किसानों ने 2 लाख से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया जिसको धान बेचना था, लेकिन हमें जो जानकारी मिली अभी तक 1 लाख से भी कम यानी 95,000 रजिस्टर्ड किसानों ने ही धान बेच पाया, अर्थात आधे से भी कम रहे। आप समझ सकते हो जिन किसानों ने धान बेचा उसकी भी हालत क्या है, किसानों को उसके अभी तक दाम नहीं मिला। किसान विरोधी जो 3 कानून पास किए गए उन कानून और महामारी के दौरान उन कानूनों के खिलाफ पिछले 9 अगस्त 2020 से दिल्ली के जो पार्लियामेंट है उससे मात्र 25 किलोमीटर दूर लाखों किसान बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। इस कोरोना काल में भी बरसात का समय बीता, भीषण गर्मी बीती, शीतलहरियाँ चली, लेकिन किसान नहीं हटे। क्यों नहीं हटे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो 3 किसान कानून आया जिसमें सीधा सीधी तौर पर किसानों की किसानी को समाप्त कर देने के लिए और कॉरपोरेट के हाथ में संपूर्ण किसानी को दे देने के लिए और MSP का जो भी भुगतान है उसका घोषणा नहीं करने के कारण ये स्थिति आज बनी हुई है। और यहाँ पर कारण क्या गिनाए जा रहे हैं, जबकि हमने पहले ही वर्ष में अपना जो चुनावी वादा था कृषि ऋण माफी योजना का, वो 2 लाख तक का हम लोगों ने कर्ज माफी भी कर दिया, धान की क्रय भी कर दी, सब देश में सबसे ज़्यादा पैसे पे खरीदारी की और आज भी सतत जारी है, जून तक हम धान की खरीद करेंगे। साथ में मई में ही हम लोगों ने आगामी फसल के लिए उनको बीज, उनको खाद की आपूर्ति कैसी हो इसके लिए ब्लॉक स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर सभी काम शुरू हो गए। इससे बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। आपके 5 साल के राज्य में, इस राज्य में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हमारे आज अल्पकालीन जो 1.5 साल का लगभग का शासन हुआ, एक भी कहीं से किसान ना प्रताड़ित हुआ और ना किसान की कोई शिकायत आई। तो ये सारी चीजें बताती है कि आप कितने हतोत्साहित हो गए हैं। और बड़ा बड़ा नेता लोग को भी आज हम देखें, बाबूलाल जी भी आज, उनका तो आवास हर तरह से सुसज्जित है, और भी कई पूर्व मंत्रीगण को देखे, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी देखे, देख के अच्छा लगता है। कोरोना काल में आप लोग टीवी में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं, इससे एक ही बात का पता चलता है कि भाजपा के मेरे मित्रगण स्वस्थ हैं और ईश्वर से कामना करते हैं पूरे परिवार सहित आप लोग स्वस्थ रहिए, लेकिन दया करके इस काल में भ्रम ना फैलाएं। अगर प्रोक्योर किए धान को और पेमेंट में देरी हुई तो इसके लिए दोषी FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का, उनके पास हमारा अभी बकाया 142 करोड़ रुपया। हम उनको चावल दे चुके हैं, चावल के देने के बाद वो पैसे देते हैं और उस पैसे को किसानों को हम लौटाते देते हैं, तो 142 करोड़ वो घटता है बढ़ता है, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा दिए हैं हमारे
142 करोड़ रुपये है, लेकिन हम 200 करोड़ उधार लेके कर्ज लेकर के SFC से हम इसको बांट रहे हैं। सभी जगह पैसे चले गए हैं, पैसे बांटने का काम किसानों को चल रहा है, ये बताना चाहते हैं। और धान अधिप्राप्ति का सवाल है, एक डेट दिया गया 30 अप्रैल तक हमारा था, 30 अप्रैल तक हम जितना आए हम लिए, है ना, हमारी भी एक शक्ति है, जितना कहाँ हम लेंगे धान को, क्या करते हैं, धान को ले करके राइस मिल में भेजते हैं, राइस मिल यहाँ बहुत कम है, राइस मिल बहुत कम है तो लेने वाला नहीं है, इसीलिए देखते होंगे आप, सुने होंगे कि धान पड़ा हुआ था पैक्स के एम्बुलेंस के गोदामों में, क्योंकि कैपेसिटी नहीं रहा राइस मिल की वो लेने के लिए और फिर उसको चावल बना कर हमको देने के लिए, इसलिए बीच में धीमा करना पड़ा था हमको, लेकिन फिर शुरू कर दिए हम लोग और 30 अप्रैल तक पूरा हो गया। जहाँ तक नहीं लेने का सवाल है, 3 जिलों में है, और फिर हम कहेंगे FCI भारत सरकार का एजेंसी है, इसके दोषी है, वो सरकार से मांग करके लिए पलामू गढ़वा और चतरा जिला कि हाँ हमको अधिप्राप्ति करने दीजिए, उनको दिया गया, और ये अखबारों के माध्यम से हमको मिला है कि 35% नहीं कर पाएंगे। हमने, हमारे विभाग ने FCI को लिखा है, आप इसकी तिथि बढ़ाइए, है ना, 30 अप्रैल के बाद भी बढ़ा दीजिए, मई कर दीजिए, जून कर लीजिए, लेकिन वहाँ के किसान हैं उस इलाके में, पलामू कड़वा और चतरा में धान काफ़ी होता है, तो उनके किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनका धान ले लीजिए, स्थिति यही है।